हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन देखने जा रहे हैं हम। देखेंगे कि किस तरह से पॉइंट ऑफ सैक्रिफाइस को चूज करें, और इसमें बहुत ही अच्छा थीमेटिक हम देखेंगे। एक सेट ऑफ कलर्स पे देखिए कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ज्यादातर पीसेस यहाँ पे देखिए ब्लैक स्क्वायर्स पर है, व्हाइट के बिशप क्वीन नाइट और रूक, और सबका अटैक लगभग देखिए G7 पॉइंट पे जो है फोकस हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि फोकल पॉइंट ऑफ अटैक जो है G7 है, और यहाँ पे देखिए व्हाइट ने सबसे ऑब्वियस मूव जो है देखिए सोचा रूक G7। ब्लैक का लास्ट मूव Qe2 था जिससे D1 अटैक्ड है, और अगर क्वीन दूर हटा है तो B2 का बिशप भी हैंगिंग हो जाएगा। तो बहुत ही प्रेसाइस कैलकुलेशन चाहिए व्हाइट को इधर। ऐसा नहीं कि करके देखता हूं और फिर हो जाएगा। तो रूक G7 चेक देखिए, बहुत ही ऑब्वियस मूव है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखते हैं पहले रूक G7, KG7 तो फोर्स्ड है, क्योंकि अगर किंग H8 करे तो Nf7 के बाद क्वीन Xf6 में तुरंत मेट हो जाएगा। किंग F8 भी नहीं चलेगा क्योंकि जस्ट Qf7 चेक आ रहा है। तो रूक G7 KG7, अब देखिए Qg3 चेक। यहां तक तो सभी लोग देख लेते हैं। अब पॉइंट ऐसा है, किंग के पास देखिए ऑप्शन है F8, H8 और H6, और मेन मूव है यहाँ पे Ng4। बहुत लोगों का जो है मिस हो जाता है, क्योंकि Ng4 के बाद देखिए नाइट का डिस्कवर्ड चेक देने से बिशप हैंगिंग है, और यहाँ पे देखिए रूक भी हैंगिंग है, तो व्हाइट के पास वेटिंग मूव करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो वो बनेगा मेन लाइन। सबसे पहले देखते हैं रूक G7, KG7, Qg3, उसको किंग F8, ये दूसरा मेन मूव है। यहाँ पे भी यहाँ तक देखना जरूरी था कि Nd7 चेक फोर्स करना पड़ेगा, ताकि नाइट और बिशप दोनों का इस नाइट पर अटैक हो। Nd7 फोर्स, और आप देखोगे Qg7 चेक, Ke7, Qg5 चेक, ये चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेट हो जाता है। चलिए करके देखते हैं। रुक G7, किंग G7, Qg3 चेक। पहले किंग F8 देखते हैं, उसको Nd7 चेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव। Nd7 फोर्स, अगर Ke7 करता तो बिशप F6 मेट, और Nd7 को देखिए Qg7 चेक, फोर्स किया Ke7। अब देखिए सारे जो अटैक्स है आप देखोगे ब्लैक स्क्वायर पे से ही हो रहा है। क्वीन G5 चेक, F6, बिशप F6 चेक, इंपॉर्टेंट मूव। किंग F7 को Qg7 मेट है, और नाइट F6 करते ही देखिए Qg7 मेट। इस रूक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे था किंग H6। किंग H6 करते ही देखिए नाइट F7 चेक, ये सबसे इजी है। किंग H5 को Qg5 मेट, और शायद इससे भी इजी था किंग H8 जिसको Nf7 इंस्टेंट चेकमेट है। तो चलते मेन मूव पर Nd4। इस चीज को जरूर नोट करें कि इस तरह से हम खेलकर नहीं देख सकते गेम में, ये पहले से कैलकुलेट करना जरूरी था। तो यहाँ पे देखिए Nd4 चेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, और इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। Nd4 को देखिए Qxb2 एक ऑप्शन है, F6 दूसरा ऑप्शन है, सबसे ट्रिकी है, और तीसरा है किंग F8। तो ये तीनों ही मूव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पोजीशन रखते हैं और फिर आगे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो Nd4 चेक, सबसे पहले Qb2 को देखिए Ne5 चेक, ये एक पैटर्न बनेगा। दूसरा है किंग F8 को क्या करे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। किंग F8 को भी देखिए बिशप G7 चेक, ये मूव बहुत जरूरी है, इसके बिना यह कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता था। और फाइनली F6 जिसमें भी देखिए इस नाइट को हटाना जरूरी है, तो वहां पे देखिए नाइट H6 चेक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकि F7 G8 गार्ड हो जाए और ब्लैक स्क्वायर पे से वेट हो जाए। चलिए हम लोग F6 से स्टार्ट करते हैं। तो F6 को आएगा देखिए नाइट H6 चेक। अब किंग F8 करे तो क्वीन G8 इंस्टेंट विनिंग था, तो किंग H6 फोर्स्ड, उसको क्वीन H4 चेक, सारे मूव्स चेक होना पड़ेगा क्योंकि क्वीन D1 मेटिंग थ्रेट है। किंग G6, क्वीन F6 चेक, किंग H5, ये एक मेन वेरिएशन है, क्वीन F7 चेक। अब किंग H4 पर नहीं आएगा, पर G5 पर आएगा, तो KG5 को देखिए इंपॉर्टेंट आइडिया है, Bf6 चेक। अब फिर से किंग आएगा F5 पर, अगर किंग G4 करे तो Qg7 चेक, किंग F5, क्वीन G5 चेक, Ke4, क्वीन E5 चेकमेट। और किंग F5 को देखिए शायद बहुत तरीके हो सकते हैं, सबसे सिंपल है Be7 चेक, इससे हमने इस डायगोनल को पकड़ के रखा है। Kg4 को देखिए H3 मेट तुरंत, और किंग E5 फोर्स, उसको क्वीन F6 चेक, Ke4, क्वीन टेक C6 चेक, इसीलिए Be7 खेला था, और किंग F4 को G3 चेक, ओनली मूव किंग F3, क्वीन F5 चेकमेट।
वेरिएशंस देखिए लंबे हैं, लेकिन आप देख सकते हो ज्यादातर केसेस में ब्लैक स्क्वायर पर ही अटैक हो रहा है। अब बचता है क्वीन एच फोर चेक को, क्वीन एच फाइव ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्वीन एच फाइव को क्वीन एफ सिक्स चेक और सिंह क्वीन जी सिक्स, और अब देखिए क्वीन एच फोर चेक फिर से, इस बार बिशप ओपन हो चुका है तो क्वीन एच फाइव को बी जी सेवन चेक लूजिंग हो गया, किंग टेक्स जी सेवन को क्वीन चली जाएगी और के जी सिक्स को क्वीन एफ सिक्स चेकमेट। पर ये एफ सिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन था गेम में, ब्लैक ने किंग एफ एट खेला। अब चलते हैं क्यू बी टू लाइन पर, क्यू बी टू को आएगा एन ई फाइव चेक, क्वीन के डायगोनल को बंद कर दिया और अब किंग के पास देखिए सारे ही ऑप्शन लूजिंग है, किंग एच सिक्स और एच एट दोनों को एन एफ सेवन, तो किंग एफ एट और किंग एफ सिक्स बचते है। किंग एफ एट पहले देखते हैं, उसको नाइट डी सेवन चेक, के ई सेवन और टू जी फाइव चेक, गेम ओवर। क्वीन का कंट्रोल है लेकिन तो भी कोई फायदा नहीं है, देखिए एफ सिक्स टू जी सेवन चेक के डी एट और नाइट का डिस्कवर्ड चेक, देखिए नाइट इंटू सी फाइव भी विनिंग था। ये आइडिया देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे मेटिंग पैटर्न बन रहा है, क्यू डी फोर उसको क्यू डी सेवन हर डी सेवन चेकमेट, और बचा किंग एफ सिक्स, किंग एफ सिक्स को क्वीन एफ फोर चेक, किंग जी सेवन के ई सेवन को तुरंत क्यू एफ सेवन मेट था, और यहाँ पे देखिए क्यू जी फाइव चेक, ये मूव सबसे सिंपल है, अब देख सकते हो नाइट डी सेवन मेट और किंग एच एट को नाइट एफ सेवन चेकमेट। तो अब चलते मेन गेम पर जिसमें ब्लैक ने खेला था किंग एफ एट, तो किंग एफ एट करते ही देखिए यहाँ पे फिर से ओनली मूव है जी सेवन चेक, ये मूव बहुत जरूरी था देखना, इसके बिना पोजीशन लूजिंग भी हो जाता। अब किंग टेक्स जी सेवन ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, के ई सेवन को सिंपल क्वीन एच फोर चेक, इंस्टेंटली गेम ओवर, एफ सिक्स क्वीन एफ सिक्स मेट, तो किंग टेक्स जी सेवन और इसको भी फिर से एन ई फाइव चेक, लगभग सेम आइडिया है जैसे क्यूबी टू लाइन में हुआ था। अब किंग एफ एट को एन डी सेवन ए ई सेवन क्वीन एच फोर चेक, इस बार क्यू जी फाइव भी वैसे विनिंग ही है, एफ सिक्स क्वीन एफ सिक्स चेकमेट, और किंग एफ सिक्स करे तो सेम क्वीन एफ फोर चेक, के जी सेवन क्यू जी फाइव चेक, किंग एफ एट को सेम एन डी सेवन मेट और किंग एच एट को एन एफ सेवन चेकमेट। तो अब देखो पैटर्न लगभग रिपीट हो रहा है, तो हमने देखा किस तरह से ज्यादातर जो टैक्टिकल मूव्स हुए वो ब्लैक स्क्वायर्स पे एग्जीक्यूट हो गए, और मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से बहुत इंटरेस्टिंग टैक्टिकल पॉइंट्स ध्यान में आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।